गुड आफ्टरनून, आज है संडे और मैं, मेरे हस्बैंड एंड आरजीवी जा रहे हैं नेहरू प्लानिटोरियम। अगर आपको नहीं पता तो दिल्ली में एक नेहरू प्लानिटोरियम है जहाँ बेसिकली एक शो होता है विच इज़ वेरी अमेजिंग। हर एक घंटे में आई थिंक शो होता है, 4-5 शोज होते हैं दिन में, एंड एक शो हिंदी में, एक शो इंग्लिश में होता है। एंड व्हाट दे शो यू इज़ कि पूरा स्काई के बारे में बताते हैं, प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन इवन एज अडल्ट्स, हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे, मतलब स्कूल से तो गए थे बट हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे तो आरवी नहीं था, हम लोग ऐसे कपल डेट गए थे वहाँ पे। एंड वहाँ पे गार्डन भी बड़ा अच्छा है, बड़ा लाइक बड़ी अच्छी प्लेस है टू एक्सप्लोर इन दिल्ली। सो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं आरवीर के साथ, उसका फर्स्ट टाइम होगा इन द प्लानिटेरियम। हम लोग स्कूल से भी गए हैं और साथ में भी गए हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू शो हिम। और तो हम थोड़ा सा लेट है तो वी लाइक पता नहीं टिकट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इंग्लिश शो 4:00 है एंड अभी हो रहे, नहीं 3:00 है इंग्लिश शो एंड अभी है 2:35। अगर वो हमने मिस कर दिया तो हमें हिंदी वाला देखना पड़ेगा, जो स्लाइटली वियर्ड होता है इन द सेंस कि वो प्लैनेट्स के नाम भी हिंदी में लेते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली लाइक आई नो मतलब हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है बट इट्स वेरी अनयूजुअल कि सोलर सिस्टम के बारे में आप हिंदी में सुनना अजीब लगता है और आपको समझ में भी नहीं आता बिकॉज हमारी वो आदत ही नहीं है। लाइक हम मार्स को मार्स ही बोलते हैं, मंगल ग्रह होता है ना हिंदी में, मंगल पृथ्वी तो अर्थ होता है, मंगल ग्रह होता है, मार्स शायद। लाइक बाकी तो मुझे उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिंदी में भी पूरा शो, विच इज अमेजिंग, क्योंकि जनरल पब्लिक को, मैक्सिमम पब्लिक को हिंदी में ही पता होता है, हम थोड़े बेवकूफ है, हमें इंग्लिश ज्यादा पता है, सॉरी। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग शोज होते हैं, तो आज जाके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा, होपफुली हमें टिकट मिल जाएंगे और ना गड़बड़ हो जाएगी। टिकट सिर्फ हाफ एन आवर पहले मिलते हैं शो के एंड सोल्ड आउट हो गए। एंड अब ये सिचुएशन है कि मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं ताकि 4:00 वाले शो के सोल्ड आउट नहीं हुए, तब हम हिंदी में देखेंगे शो, बहुत लंबी लाइन है। ये बैठने वाला नहीं है, ये वैसे ही जाने वाला है। हाँ ये स्पेस में जाएगा, अरे वीर बाबा यहाँ पे आ रहा है रॉकेट के पास, बस कुछ करने को है नहीं अभी, ये उड़ जाएगा, मैं बैठ जाऊँ इसमें, क्यों स्पेस में चले जाएगा तो आप स्पेस में चले जाओगे तो मुझे मजा आएगा स्पेस में, नहीं आएगा, आएगा आप जब जाने जाओगे वहाँ पे तो मैं सैड हो जाओगे, तो मैं नहीं जाऊँ, नहीं। अरेवीर आप लाइन में क्यों खड़े हो, अरेवीर हाँ आप लाइन में क्यों खड़े हो, कि क्या बड़े हो गए हो,
ओवर, शो में अलाउ नहीं था कैमरा एंड फ़ोन स्विच ऑफ करने थे, तो ऑब्वियसली मैं शो को शूट नहीं कर पाई. बट एब्सोल्युटली अमेजिंग है. अगर मैं कैमरा से शूट भी करती तो भी आपको वो मज़ा नहीं आता जो एक्चुअल देखने में आता है. आई डोंट थिंक वो कैमरा में कैप्चर हो पाता है ना. इट्स फनी, अभी भी तो लेते हैं कहीं से है नहीं. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. वेदर बड़ा अमेजिंग हो रहा है अभी फिलहाल. उसमें क्या होता है, पूरा ऐसे डोम शेप्ड सीलिंग है एंड प्रोजेक्टर उसके ऊपर प्रोजेक्ट करता है एंड इट्स लाइक मतलब ऑलमोस्ट 3D लगता है सारा कुछ. मतलब आपको स्पेक्स वेक्स कुछ नहीं पहना है, आप नॉर्मली देख रहे हो. 3D में ये इरिटेटिंग होता है कि आपको स्पेक्स पहनने पड़ते हैं एंड काफ़ी 3D इफेक्ट में आता है. और स्काई कितना सुंदर लग रहा था है ना, लाइक उन्होंने नाइट स्काई पूरा बनाया था विद स्टार्स. एंड जब इतना पोल्यूशन नहीं था दिल्ली में, या फिर अगर आप आउट स्टेशन जाओ और तब लाइक स्काई को देखो तो वैसा ही लगता है स्काई. लाइक बहुत एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ था. हाँ ये सही है, आप हॉट एयर बलून है. अरे हेलो, मेरी मेमोरी खत्म हो गई थी कार्ड की. हाँ तो बेसिकली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड अरेविंद ने भी देखा. बीच में जब कम्प्लीटली अंधेरा हो गया था, हल्का सा उसको लग रहा था कि मुझे घर जाना है, लाइक डर सा. बट ही वॉज मोर देन लाइक, बाकी तो उसने ढंग से देखा, एक दो बार ही बोला कि घर जाना है, बट बाकी पूरा देखा. हिंदी में था तो आपको समझ में आया, और मतलब मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया. बट प्लैनेट्स के नाम जब वो लाइक इंडिविजुअली ले रहे थे तो थोड़ा कन्फ्यूजन था. डेट्स में तो मुझे कन्फ्यूजन थी, हिंदी के नंबर्स में बहुत लाइक मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता हिंदी के नंबर्स, तो वो मुझे समझ में नहीं आया. बट लाइक इंग्लिश वाला बहुत अच्छा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा. एंड इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट कि इन्फॉर्मेटिव है, जो विजुअली सुंदर है ना वो, दैट इज़ अमेजिंग. क्योंकि जैसे अगर समझ में भी नहीं आता, विजुअल्स जो दिख रहे थे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर जाओ एंड बच्चों के साथ तो 100% जाओ, बिकॉज इट्स एजुकेशनल एंड इट्स समथिंग डिफरेंट उनके लिए. काफ़ी ज़्यादा सही था. सो या दैट्स एन A+ फ्रॉम अस. आप फिर से जाओगे? मैं तो फिर से जाऊँगी, मुझे इंग्लिश वाला फिर से देखना है. जहाँ तक मुझे याद है हमने लास्ट टाइम भी हिंदी देखा था और यही बोला था हम इंग्लिश वाला फिर से देखेंगे. मुझे इंग्लिश वाला नेक्स्ट टाइम देखना है. 3 बजे का शो है, याद रखेंगे जल्दी पहुँचेंगे. ये है कि टिकट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हाफ एन आवर पहले काउंटर खुलता है, बहुत लंबी लाइन्स होती हैं. हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच गए थे, 2:45 पहुंच गए थे, बट सोल्ड आउट हो गया था तब तक हमारा काउंटर तक टर्न आई. सो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. मतलब ये देखो संडे पे स्पेशली 1 घंटे पहले पहुंच जाओ वहाँ पे शो के टाइम से. पानी बेटा ले रहे हैं एंड 1 घंटे पहले ही लाइन में लग जाओ तभी टिकट मिलता है, वरना टिकट मिलने में बहुत मुश्किल होती है. संडेज को आई गेस वीकडेज में मिल जाता होगा, अनटिल स्कूल टूर्स होते हो. तो या इट इज़ रियली नाइस एंड रियली अमेजिंग. अब हम आ गए राष्ट्रपति भवन, मेरे हस्बैंड की फेवरेट जगह इन ऑल ऑफ दिल्ली. एंड 26 जनवरी की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है, स्टैंड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. अब हम आ गए हैं CP. हाँ पार्क के लिए तो वैसे भी अंधेरा हो गया, हम लोग पहले पार्क जाने वाले थे बट अंधेरा हो रहा है, तो हम CP में चिल कर रहे हैं थोड़ा सा. अगर आप लोगों को केवेंटर्स ब्रांड पता है तो बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिस लिटिल शॉप इन सीपी.